हेलो जी, सारे सत श्री अकाल ते यूट्यूब चैनल ते स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे बहुत ही वधिया होगे। ते मैं तुहाडे नाल एक व्लॉग शेयर किया है, वह तुहानू तुसी काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्यार दिता। तो काफ़ी ज़्यादा जिन्हां दी टेंशन हैगियां सीगियां उन्हां लई बहुत सारा फायदा सीगा, क्योंकि सारियां नूं मतलब तुहानू पता कईआं नूं लेडीज नूं प्रॉब्लम होंदी कि इन्हां शेयर नहीं कर पाउंदियां। तो उन्होंने ये लगा कि जे दीदी नाल एवें होया साडा वी इदां, मतलब एक दीदी ने थोड़ा टाइम हो गया उन्होंने शायद अपडेट कराया, तो कहिंदे दीदी मैनूं तुहाडी वीडियो वेख के बड़ी खुशी हुई ते मैनूं बड़ा वधिया लगा कि शायद वाहिगुरू साडे लई सुण लूगा। कई वार की हुंदा किसे दी मतलब सुनी गल आपां नूं बड़ी वधिया फायदा दे दिंदी है। सो मैं अज तुहाडे नाल बड़े आणे तुहाडे कमेंट सारयां दे इही आउंदे, मैं तुहानूं दसदी आं तुसीं नैक्सट मैनूं दस दिओ किहड़ा व्लॉग आपां लै के आईए तुहाडे लई। फिर मैनूं सारयां नूं तुसीं कमेंट इह कीते कि तुसीं दीदी सानूं अपनी प्रैगनेंसी तों बाद दे सारे लक्षण दस्सो, तुहाडे नाल की खाण दिल करदा है, की पाउण दिल करदा है। तुहानूं पता है टाइम जिहड़ा हुंदा बहुत ही सोहणा टाइम हुंदा आ जिहड़ा तुहानूं परमात्मा दिंदे। पहली गल तो विश्वास ही हुंदा जिन्हां ते, खास करके टाइम ज़्यादा हो जाता उन्हां लई ते बहुत ही चीज़ जिहड़ी आ मतलब बड़ी खुशी वाली गल हुंदी उन्हां दी, मतलब बहुत ज़्यादा सारा मतलब ध्यान जिहा होना शुरू हो जाता। सो सेम मेरी भी स्टोरी जिहड़े पहले जिदा मैं सुनिया सुनाइया गल्लां हुंदियां आपां टीवी दे वेखदे आ जां आपां किसे दी गल्लां सुणदे आ ते आपां नूं वेखिया गल्लां सुण के किद्दां लगदियां, तो वह अपनी जिंदगी च वी किसे ना किसे दिन आउंदियां आ। सेम मेरे नाल स्टोरी इदां दी होगी जदों मैनूं पता लगा कंसीव होण तों बाद, ते जिहड़े मेरे 3 मंथ सीगे पहला सिस्टम जिहड़ा सी मेरा इदां दी सी कि जो 3 मंथ पहला स्टैप हुंदा आपणा है ना प्रैगनेंसी दा, वह एवें दा सी कि मैनूं कुछ वी खाणा पसंद नहीं सी। पर मैनूं याद आ मैंने कुछ भी खाना पसंद नहीं सी, जिदा मतलब कोई भी चीज़ खानी मैंने लगता जो कोई टेस्ट ही नहीं बना, मैं इतने मम्मी होना जब मैं खुद चीज़ बनानी मैं बना तो बड़ी चाव ना लैनी कि हाँ सब्जी इन्नी टेस्टी बनूगी, पर जो मैं खाने लगना मैंने ऐ लगना जिदा टेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। इदा ही आप अमृतसर गए, मेरा कुछ खाने दिल ना करे जितेंद्र ना मैं गई, तो आप उतों कुलचा लिया, तो सारे पता कि कुलचा जो होंगे कि टेस्टी हों कि वाइया लाण होंगे अपन किन्ने टेस्टी लगते, पर मैनू एवें लगता जो मैं खाधा मैं कि बनाया इन्होंने बनाने की अकल नहीं हैगी। पर मैनू थोड़े टाइम बाद पता चला कि सारे एवें हों मतलब कई सिस्टम आता है। मेरे पहले 3 मंथ से उस मेरा कुछ खाने दिल नहीं करता, ना फ्रूट खाने दिल करता, ना खाना खाने दिल करता है, ना कुछ भी नहीं मतलब खाने दिल करता, मेरा बहुत टाइम जरा औखा लंघ गया। फिर मैं डॉक्टर गई, उन्होंने ये दसिया कि तुम अपना मतलब जिन्ना भी हो सकता नहीं भी दिल करता ना तो अपने लिए नहीं कुछ भी खाना, तो छोटे जे बच्चे लिए खाना है तो मतलब कुछ भी खाओ जे तुहाडा मतलब खाना खाने दिल नहीं करता फ्रूट खा लो, फ्रूट नहीं खाने पीन जूस वगैरह कुछ भी तुम लै सकते जी। पहला तो मेरे जो 3 मंथ से बहुत ज़्यादा इदा के निकले, फिर जो थोड़ा जहा टाइम अगे निकलिया फिर तो वो मैं थोड़ी जी प्रॉब्लम आ गई मैनू, मतलब मेरे बैड रैसट जो डॉक्टर ने दस दी कि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब तुम रैसट करनी जरूरी है। फिर मैं एकदम महीना एक तुम साढ़े ब्लॉग भी वेखते रहे होने, मैं महीना एक जरा बिल्कुल जरा मेरा बैड पर ही रहा है। मैं इदा इदा सेम टाइम ही मेरा कि मतलब मैं बैड तो एक मतलब अपने पानी तक भी आप नहीं फटती। मेरी पहला मासी जी आई उन्होंने मेरी बड़ी केयर की, मेरी मम्मी ही मदर इन लॉ इन्होंने भी काफ़ी मेरी केयर की, तो इन्हें जतेंद्र ने भी सारा वो टाइम बड़ा ही माड़ा चलिया ही, तो उदो मतलब मैंने काफ़ी ज्यादा रैसट दसी वो टाइम तुम पता बड़ा औखा जहा ही, उदो मम्मी भी ठीक नहीं रेंदे तो इदा करके किसी दल वेखना उधरों हर एक चीज़ खानी या किदा, तो वह टाइम भी मेरा बड़ा औखा निकलिया वो वाली चीज़ से। मेरी सब तो ज़्यादा पसंद जी चीज़ ही वह हैगी मरूद मेरी इन्नी ज़्यादा फेवरेट ही, उदों ना बहुत घट्ट मिलते होंगे जी, जो दीप दीदी होना आना या किसी नहीं आना सबू कहना मेरे वास्ते फ्रूट लैके आओ, मरूद ही लैके आओ और कुछ ना लैके आओ। फ्रू जे जिन्हें भी मतलब फ्रूट होंगे उन्होंने मैं सब तो ज़्यादा जो पसंद ही ना ये गल कही कि मेरे ना फेस से जिदा मतलब भी जी स्टार्टिंग 3 मंथ से उदो मेरे फेस से जो काफ़ी वीकनेस जी आ गई, मेरा फेस जो बिल्कुल छोटा जहाँ होना होगा शुरू हो गया, तो जो शाइया जी वो बड़ी पैनिया शुरू हो गई, ब्लैमिशेज की काफ़ी प्रॉब्लम मेरी आ गई। तो हाँ मैंने एक चीज़ जी वधिया लगी वो सिर्फ ये ही कि जिन्ना भी मेरा टाइम निकलिया वो सारे के जो तेरे मतलब कमेंट से यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से सारे, बाकी गल ये कि दूजा खाने मैं तुम दस जो सब्जियां ही वह भी मेरिया कोई इदा फेवरेट नहीं होंगे क्योंकि जी चीज़ मैनू मेरी ज़्यादा हाँ जी। तो एक गल होर होंगी कि जो कहें जब ज़्यादा मतलब खाने दिल करे चटपटियाँ चीज़ों या चटपटे टेस्ट है ना होंगे जिहड़ियां लेडीज़ ज़्यादा मंगदियाँ, मेरे ना ये भी चीज़ नहीं हुई क्योंकि मैनू ना डॉक्टर ने मना किया कि तुम बाहर का नहीं कुछ खाना, मेरा मन करता भी वो चीज़ को पर मैं अपने अंदर अंदर थोड़े चिर वास्ते घुट लैंदी पर ज़्यादा नहीं मंगती। फ्रूट मैं जरूर खाधा, दुध भी बहुत पीता, फ्रूट खाधे, सब्जियां ताज़ी बना के लैनी,
ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਲੇ ਮਸਾਲੇ। ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ 3-4 ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗੈਸ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।